एन की वेबसाइट पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है फॉर पी एच डी एंट्रेंस टेस्ट दैन इट इज़ वेरी गुड बट आई होप यू हैव नॉट फाइनली सबमिट द फॉर्म बिकॉज देर आर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स वाइल कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन सो आज हम लॉग इन के साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि किस स्टेप पर क्या चीज़ फिल करना चाहिए क्या नहीं सो दैट यू विल गेट अ मैग्जिम बेनिफिट जब आप एग्जामिनेशन दो जब आपके पास कट ऑफ आए तो कैसे काउंसलिंग में सारे सब्जेक्ट में आप एलिजिबल होगे बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स यूनिवर्सिटी इसके एन के वेबसाइट पर आ चुके हैं इंक्लूडिंग सिलेबस तो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं जो भी डाउट होगा कमेंट कर देना टेलीग्राम ग्रुप अपना बहुत बड़ा ग्रुप हो चुका है उस पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च रिलेटेड डिस्कशन होते हैं सो आप ज्वाइन करिए यू विल फील द डिफरेंस सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउट था दैट इज़ द सिलेबस हम लोग स्टार्टिंग से ही कन्फ्यूज थे कि एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस आएगा क्योंकि कुछ भी अपडेट नहीं था एंड इन जनरल चीज़ें लिखी हुई थी तो जब अब आप इस टैब पे क्लिक करेंगे यू विल फाइंड द सिलेबस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई गेस आप लोग स्किप कर गए होंगे नहीं देखा होगा तो आप लोग देख सकते हो और अब अगर मैं चेक करूँ तो एक एक का सिलेबस सो दिस इज़ वेरी ईजी अगर मैं लाइफ साइंस ग्रुप वन से लेकर फोर पे क्लिक करूँ एन एफाइल क्लिक तो यहाँ पे एक अजीब से चीज़ निकल के आएगी बिकॉज लाइफ साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस एज इट इज़ सी एस आई आर यू जी सी नेट के सिलेबस से होने वाला है फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन रहने वाले हैं फिफ्टी रिसर्च मैथडोलॉजी के हैं याद रखिएगा जो हम लोग कवर भी कर रहे हैं और फिफ्टी जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है एक मार्क्स मिलेगा एक ठीक करने पे। अब अगर मैं कोई और सब्जेक्ट देखूं, लाइक like अगर मैं लॉ की बात करूं, सो यू विल गेट अ वेरी क्लियर डिटेल कौन कौन से यूनिट्स हैं कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिससे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू अलाट तो सारे सब्जेक्ट्स का इन्होंने आउट कर दिया है दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड जिसका नहीं है उनका उन्होंने लिख दिया है कि लाइफ साइंसेज से होगा देखिए माइक्रोबायोलॉजी इज़ वेरी टफ़ बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें दी हैं बहुत ही ज़्यादा टर्म्स दिए हैं सो so, ये सिलेबस बहुत डिटेल में है बहुत अच्छी बात है तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको इससे बहुत हेल्प मिलेंगी तो ये हुई तो एक बेसिक सिलेबस की चीज़ अभी हम चलते हैं अपने लॉगिन पे अच्छा कोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो आप जब कोर्स के टैब पे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइक किस कौन सा कोर्स किस यूनिवर्सिटी के अंदर है लेट से ये कोर्स का मतलब क्या है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ यहाँ जो आप नेम डाल रहे हो और जो नीचे आ रहा है दिस इज़ लाइक पी एच डी इन लाइफ साइंस ध्यान से सुनिए लोगों को डाउट हो रहा है लोग कहते हैं लाइफ साइंस कैसे नहीं हो सकता डी के अंदर और बी बी के अंदर बी के अंदर पॉसिबल ही नहीं है सो so देखो एक अलग चीज़ है डिग्री देना इस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर एक डिफरेंट आस्पेक्ट है लाइफ साइंस एलिजिबिलिटी होगा कई जगह पे, बट जो पी की डिग्री जो दे रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जे दे रहा है लाइफ साइंस में अब अगर मैं फार्मेसी की बात करूँ तो देखो फार्मास्यूटिकल साइंस इन पी यानी पी की डिग्री मिलेगी फार्मास्यूटिकल साइंसिस में सिर्फ और सिर्फ बी के अंदर तो इस तरीके से आपको सर्च करना है अब अगर मैं आपको माइक्रो दिखाऊं सो देखिए माइक्रो बायोलॉजी के अंदर जो कोर्स स्पेसिफिकली पी इन माइक्रो ऑफर कर रहा है वो है बी तो ये तो हो गई कोर्स की बात अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चलते हैं दैट इज़ द एप्लीकेशन जब आप एप्लीकेशन पे आएंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका पर्सनल डिटेल्स तो पर्सनल डिटेल्स आर वेरी सिंपल आपको अपने जो कैटेगरी है एड्रेस है ये सारी चीज़ें फ़िल कर देनी है और जब आप नेक्स्ट उस पर आएंगे तो आता है एजुकेशनल डिटेल सो एजुकेशनल डिटेल इज़ वेरी सिंपल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को आप फिलअप कर दो अगर अपियरिंग हो तो आप अपियरिंग मैंशन करो अदरवाइज़ ये पूरा डिटेल आपको मैंशन करना है कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन है बी है आपने कोई डिप्लोमा किया है देन ऑल्सो यू विल फिल दिस फॉर्म जो नेट के स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ पर ज़रूर भरें सर्टिफिकेट डेट लिखें सर्टिफिकेट नंबर में एप्लीकेशन लिख दें और फेलोशिप अमाउंट अगर जे है देन यू विल राइट दिस फेलोशिप अदरवाइज एट थाउजेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो कहीं भी लिखा नहीं होता नाउ ये पॉइंट में सब लोगों को अभी भी डाउट है कि सर इसको फिल करें कि नहीं करें सो आई रिकमेंड यू कि अगर आपकी थीम नहीं डिसाइड है एंड यू आर फिलिंग दिस फॉर्म सो यू आर डूइंग अस्टेक आपकी थीम डिसाइड होनी चाहिए क्वेश्चन डिसाइड होने चाहिए कौन सी मैथडोलॉजी पर काम करना चाह रहे हो ये कुछ तो दिमाग में होना चाहिए अगर आप ब्लैंक फिल कर रहे हो दैट मीन्स यू हैव अ ज़ीरो नॉलेज अबाउट दिस पी एच डी स्पेसिफिक डिटेल्स एंड दिस इज़ वेरी बैड इफ यू आर फिलिंग दिस फॉर्म आप पी लेवल पर रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो एंड यू हैव नथिंग टू फिल इन दिस सेक्शन दिस इज स्ट्रेंज सो आई हाईली रिकमेंड यार खाली मत छोड़ो कुछ तो भरो ठीक है फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में आ जाओगे तो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की प्रेफरेंस है आप इजीली अपनी प्रेफरेंस को चूज़ करिए और आगे बढ़िए हर जगह पे प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी Now दिस इज़ द वेरी important एंड confusing पेज लेट से फॉर example हम फिलअप करना चाह रहे हैं ये कोड SCPH15 सी पी एच फिफ्टीन ये सबसे ज़्यादा लोग फिल करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा लोग फिल भी कर रहे हैं इसको अब अगर आप लाइफ साइंस से फिल करना चाह रहे हैं तो आपको एक एक करके चूज़ करना है यहाँ अपडेट करेंगे यूनीवर्सिटीज़ का नाम मैंशन करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ एड करते जाइए देखिए सात जगह दैट इज़ ऑलरेडी फिल्ड सो आप यहाँ पे मैगजिम यूनिवर्सिटीज़ को चूज करें अपने कोर्स से रिलेटेड अब देखिए लाइफ साइंस जो है देखिए पाँच एक दो तीन चार पाँच ग्रुप है अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये पाँच ग्रुप क्या है इसके बारे में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है सो आई नीड टू टेल यू अगर आप जे एन यू की वेबसाइट पर जाएंगे और आप जे एन यू के प्रोस्पेक्ट देखेंगे सो so, जो स्कूल ऑफ लाइफ साइंसिस हैं देव क्लियरली मैंशन अबाउट द रिसर्च ग्रुप यही हैं वो पांच रिसर्च ग्रुप जी ओ एन एच जी टी डब्ल्यू एच जी टी आर एच जी एफ जीरो एच जी टी आई एफ सो ये रिसर्च ग्रुप हैं प्लांट बायोलॉजी वायरोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शियस तो देखिए डिफरेंट हैं ये तो इनके अकॉर्डिंग आपको पांचों वो चूज़ करने हैं सो मैक्सिमम को चूज़ करो और उसके बाद सेम अगर आप एलिजिबल हो तो दूसरा कोड भी चूज़ करो जो कि सपोज लेट से इस केस के अंदर प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी है और जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग है जो कि बी एच यू के अंदर है और डी यू के अंदर है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम चॉइस को फिल करो अगेन अगर आप इस चॉइस को नहीं फिल कर पाए हो आपने फॉर्म सबमिट कर दिया या आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप अगर छोड़ भी देते हो सो नो प्रॉब्लम एट ऑल एक करेक्शन विंडो ओपन होगी जिसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम सेलेक्शन कर सकते हो सो डोंट गेट वरी कि अब मेरा तो सर रह गया मैं इसको चूज नहीं कर पाया नो प्रॉब्लम एट ऑल अब ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाइक तीन सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो जितने सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे आपकी फ़ीस एडिशनल हो जाएगी सेवन हंड्रेड और एट हंड्रेड आई गेस अप्रॉक्स सो वो एड अप हो जाएगी मेन एप्लीकेशन फ़ीस के अंदर सो so, अगर आपका एस सी पी एच फिफ्टीन है लाइफ साइंसेज आपने चूज कर लिया है तो आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना है एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल दी सेक्शंस ऑल दीज यूनिवर्सिटीज़ ऑल दीज प्रोग्राम इसके अलावा भी ऑप्शंस ओपन होंगे वंस द एग्जामिनेशन विल बी ओवर जब रिजल्ट आ जाएंगे तो आपका ये ओपन होगा विंडो आप चूज़ कर सकते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली अलाउड फॉर ऑल ये देखिए नीचे भी दिखाएगा वहाँ पे भी दिखाएगा एंड अगर आप सेकेंड सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं लाइक प्लांट जेनेटिक्स ह्यूमन जेनेटिक्स जो अवेलेबल है जो आपसे रिलेटेड है तो आपको एक और सब्जेक्ट चूज़ करना ही पड़ेगा फाइनली आपको अपडेट करनी है अपनी सारी डिटेल और उसके बाद प्रिव्यू करने के बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देना है सो आई गेस इसी में सबको सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा है बट द थिंग इज दैट कि अपने रिलेटेड आप कोड चूज़ करो यहाँ पे इन लोगों ने ये जो कोड दे रखे हैं इससे कोई मतलब नहीं है जो मेन कोड है वो आपके मेन प्रोस्पेक्टस में ही मिलने वाले हैं और अगर नहीं यहाँ से समझ आ रहा तो आप वो कोड यहाँ से भी देख सकते हैं एक एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके उनके डोमेन में जाके आप ये देख सकते हो कि दिस इज़ कोड फॉर द पीएचडी इन एनर्जी स्टडीज़ यहाँ आपको मिल जाएगा और सिंपल करना कुछ भी नहीं है लाइफ साइंस सपोज क्लिक करना है एंड यू विल गेट द कोड सी सेकेंड थर्ड फिफ्थ ठीक है अब अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी देखूं, सो देखिए ये सारा यहाँ पे आ रहा है कोई भी अलग से पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी ऑप्शन नहीं है अगर मैं फार्माकोलॉजी देखूं या फार्मेसी देखूं, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जे खुला हुआ है दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज नॉट देयर सो आपको एक एक यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद ये कोर्स आप चूज़ कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं बैग दोबारा जाके ये आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं आऊँगा तो अगर मैं यहाँ पर फार्मेसी डालूंगा सो कोई भी कोर्स नहीं आएगा बिकॉज़ वो किसी भी यूनिवर्सिटी में इसमें नहीं है सो अकॉर्डिंगली देखिए अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी आ रहा है बी के अंदर अपलाइड माइक्रोबायोलॉजी बट डायरेक्टली माइक्रोबायोलॉजी के अंदर नहीं देता है सो दीज़ आर द थिंग्स आई गेस अभी काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी और अगर फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो जस्ट टेक्स्ट मी हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे फॉर श्योर बट जल्दबाजी मत करिएगा कुछ प्रॉब्लम लोगों को जो कोर्स में आ रही है फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर वाले हैं जस्ट सेकेंड जो एग्रीकल्चर के लोग हैं उनके कोर्स यहाँ नहीं मैच कर रहे हैं उन लोगों को प्लांट ये ह्यूमन जेनेटिक्स और लाइफ साइंस वाले कोर्स ऑप्ट करने पड़ रहे हैं तो उस केस में आई रिकमेंड यू कि आप लोग क्या करो एक लेटर ड्राफ्ट करो और एन टी ए को वो लिखो कि दैट दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट रेलिवेंट फॉर यू हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आई गिव एग्जामिनेशन इन द लाइफ साइंस बिकॉज यू आर नॉट कमिंग इन द लाइफ साइंस एग्रीकल्चर स्पेशली सो अगर आपके भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो जन मूव और उसके बाद ड्राफ्ट करो एंड वी विल सेंड दिस लेटर टू एन टी ए ये ऑप्शन को अपडेट करे यू हैव टू सेंड यू हैव टू इन्फॉर्म अदरवाइज वो ऐसे ही ऑप्शन रह जाएंगे सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर फॉर्म फिलिंग स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन जस्ट टेल मी कोरिएम ये आया था जिसके अंदर नो निगेटिव मार्किंग थी और उसके बाद ये भी उन्होंने बोला था कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड कैन चेंज द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो तो करेक्शन विंडो डेफिनेटली ओपन होना है इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय टेक केयर ठीक से फॉर्म फिल करना